हाय एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने एयर पोल्यूशन का इफ़ेक्ट ह्यूमन हेल्थ पर देखा था। वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या डिजीज़ एयर पोल्यूटेंट जो है एयर में उनके वजह से होता है, जिसमें मेनली हमने देखा था रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज़, इरिटेशन इन थ्रोट्स, इरिटेशन इन नोज़, इरिटेशन इन लंग्स, ये सब हमने देखा था। मेनली जो प्रॉब्लम था वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ही था ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। आज हम लोग देखेंगे कि एयर पोल्यूशन का किसी भी कंट्री के इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट होता है, क्या उसमें एयर पोल्यूशन अगर होने की वजह से क्या क्या इफेक्ट होता है, क्या इकोनॉमी पर उसका एडवर्स इफेक्ट होता है, वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको वैसे आइडिया होगा ही थोड़ा बहुत, फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ वन बाई वन। एयर पोल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम क्या होता है कि किसी भी कंट्री में अगर वहाँ का पोल्यूशन, एयर में पोल्यूशन ज़्यादा है या पोल्यूटेंट ज़्यादा है एयर में, तब क्या होता है, वहाँ पर जो लोग, उस कंट्री का प्रोडक्टिविटी होता है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। बिकॉज़ अगर पोल्यूटेंट एयर में कोई भी पर्सन काम करेंगे तो वो सही से, तो एक तो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे, उनका जो इफ़िशेंसी होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, वो सही से वर्क नहीं कर पाएंगे, और ऊपर से अगर वो बीमार हो जाते हैं, कोई बीमारी हो जाती है उन्हें, तब फिर क्या होगा, वो उतने दिन तक वो काम नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, आउटपुट पर भी इफ़ेक्ट होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो भी प्रॉब्लम होगा वो कहीं ना कहीं कंट्री के इकोनॉमी पर इफ़ेक्ट होने वाला है। जो भी पर पर्सन कम कंट्री को इकोनॉमी मिल रहा था वो रिड्यूस हो जाएगा। उसी तरह से अगर एयर पोल्यूशन की वजह से चिल्ड्रेन बीमार होते हैं, अगर उनको कोई डिजीज़ हो जाता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम अगर उनके अंदर क्रिएट होता है, तो कहीं ना कहीं उनकी स्कूलिंग, उनके स्टडी पर इफ़ेक्ट होगा। वो स्कूल नहीं जा पाएंगे, वो स्टडी नहीं कर पाएंगे, वो न्यू चीज़ें सीख नहीं पाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं उनका लर्निंग पर इफ़ेक्ट होगा, इनोवेशन पर इफ़ेक्ट होगा, जिससे कहीं ना कहीं वो आगे कंट्री को चलकर वो कहीं ना कहीं नुकसान ही होने वाला है। उससे भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम होगा, एफिशिएंसी पर प्रॉब्लम होगा, कहीं ना कहीं होने ही वाला है। फिर आप जानते हैं कि अगर पोल्यूटेंट एयर में कोई अगर पर्सन वर्क करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके आईक्यू लेवल में भी प्रॉब्लम होगा, उसकी सोचने की कैपेसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, वो उतना ज़्यादा नहीं सोच पाएगा, बिकॉज वो उस पोल्यूटेंट से ही, उस बीमारी से ही लड़ने में लग जाएगा। आप देख लो अभी हाल फिलहाल में अभी कोरोना चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इंसान इससे डिस्टर्ब है कि ये इससे वर्क नहीं कर पा रहा है, जितना एफिशिएंसी के साथ वो वर्क करना चाहते थे, ऑफिस नहीं जा पा रहा है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, आई थिंक 10-12 crore लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, मतलब बेरोजगार हो गए हैं इंडिया में टोटल। आप ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है, आप देख सकते हो या नेट पर सर्च करके। तो कहीं ना कहीं इससे भी इफेक्ट हो रहा है। तो उसी तरह से एयर पोल्यूटेंट अगर कहीं पर ज़्यादा हो जाता है तो लोग सही से काम नहीं कर पाएंगे, लंग्स में प्रॉब्लम हो जाएगा, वो अपने आप को टायर्ड फील करेंगे, वो सही से ऑक्सीजन अंदर नहीं बॉडी में हो पाएगा, तो उनके अंदर जो एफिशिएंसी होगा कहीं ना कहीं वो डिक्रीज होने वाला है। तो ये सब मेन चीज़ प्रॉब्लम है, हम लोग देख लेते हैं वन बाई वन पॉइंट वाइज। पॉल्यूटेड एयर ऑल्सो इफेक्ट इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री, आपको बता ही दिया, बहुत सारे तरीके हैं कैसे कैसे इफेक्ट करता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, पॉल्यूटेड एयर से क्या होने वाला है, हायर रेट ऑफ अस्थमा होगा, डिजीजे डायबिटीज़ हो सकता है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकता है, लीडिंग टू रिड्यूस एबिलिटी टू वर्क एंड लोअर पार्टिसिपेशन रेट्स इन द लेबर फोर्स। एबिलिटी टू वर्क उनका कम हो जाएगा, मतलब जितना वो काम कर सकते थे वो काम नहीं कर पाएंगे, या कुछ लोग अगर ज़्यादा बीमार हो गए तब फिर वो अपना एफर्ट जो देते थे या फिर अपना कंडीशन जो देते थे वो भी नहीं दे पाएंगे, वो कहीं ना कहीं ज्वाइन नहीं कर पाएंगे उस वर्क को, जिससे क्या होगा, अपना लेबर फोर्स भी डिक्रीज़ हो जाएगा। उसी तरह से फिर चिल्ड्रन पे भी इफेक्ट होता है, अगर चिल्ड्रन बीमार हो गए, ज़्यादा बीमार हो गए, अस्थमा से या निमोनिया से उनको प्रॉब्लम हो गया, तो स्कूल भी वो मिस कर जाएंगे, मिस करने से क्या होगा, उनका लर्निंग जो होगा वो लर्निंग ख़त्म हो जाएगा, वो सीख नहीं पाएंगे नई चीज़ें, और फिर कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे को लेकर थोड़ा सा सीरियस भी होते हैं, तो वो फिर क्या होंगे, वो भी वर्क में अपने बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, उनकी बीमारी को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं वो डॉक्टर से हेल्थ केयर, हेल्थ चेकअप कराएंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें भी वर्क इफेक्ट होगा, तो वो कंट्री का इकोनॉमी को प्रॉब्लम क्रिएट करने ही वाला है। आगे हम लोग और देखते हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। रिड्यूस प्रोडक्टिविटी ऑफ कंट्री, कोई भी कंट्री, अभी मैं बता रहा था कि क्या होगा, उसका प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगा, वो सही से वर्क नहीं कर पाएगा, वहाँ पर इन्वायरमेंट प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में नहीं रहेगा, ज़्यादा पॉल्यूटेंट अगर एयर में रहेंगे तो क्या होगा, उसका एबिलिटी जो होगा वो काम सही से कर नहीं पाएगा, उसका एबिलिटी डिक्रीज़ कर जाएगा। उसके बाद देखते हैं, आपको पता ही है कि कहीं ना कहीं अगर पॉल्यूशन ज़्यादा होगा एयर में तो क्या होगा, लोग
बीमार पड़ेंगे तो बहुत सारे लोग क्या होगा, अपने जॉब को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, जो भी वो काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो इससे क्या होगा, कंट्री का जीडीपी पे भी इफेक्ट होने वाला है। फिर उसका आईक्यू लेवल जो होता है, जो सोचने का कैपेसिटी होता है, वो उतना सोच नहीं पाएगा, क्योंकि कोई ना कोई अगर डिजीज़ अगर बहुत ज़्यादा होता है तो क्या होता है, लोग उसके वजह से ही परेशान हो पाते हैं, वो नई चीज़ें नहीं सोच पाते हैं, जिससे क्या होगा, कंट्री का आउटपुट जो होने वाला है, कंट्री में जो न्यू इनोवेशन होने वाला है, वो भी लॉस होने हो जाएगा, और क्या होगा, कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी को भी इफ़ेक्ट करने वाला है। इस टाइप से बहुत सारी प्रॉब्लम है। एग्रीकल्चर को भी एयर पोल्यूशन इफेक्ट करता है, अगर एयर में पोल्यूटेंट ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, वो एसिड का फॉर्मेशन करेगा, एसिड का फॉर्मेशन करेगा तो रेन के थ्रू एसिड ड्रेन हो जाएगा वो, और एसिड ड्रेन होने की वजह से क्या होगा, जो भी एग्रीकल्चर हम लोग करते हैं, जो भी वहाँ पर क्रॉप लगाए हैं, फसल लगाए हैं, तो वो क्या होगा, एसिड ड्रेन की वजह से उसमें जो हमें प्रोडक्टिविटी मिलना चाहिए था, जो प्रोडक्शन होने वाला था वहाँ से, वहाँ वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, एग्रीकल्चर भी इफेक्ट होने वाला है। उसके बाद देख लेते हैं, जो भी सिटीज़ है जहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम है एयर पोल्यूशन का, तो वो क्या होगा, वो दूसरे सिटी से जहाँ पर एयर पोल्यूशन कम है या नहीं के बराबर है, तो वहाँ से कंपटीशन भी वो बिज़नेस में नहीं कर पाएगा, बिकॉज जहाँ पर ज़्यादा एयर पोल्यूशन है तो उनका बिज़नेस थोड़ा सा एयर पोल्यूशन की वजह से इफ़ेक्ट हो पाएगा, वहाँ जो वर्क करने वाले हैं वो उतना ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ वर्क नहीं कर पाएंगे, और अगर दूसरे सिटी में एयर पोल्यूशन कम है तो क्या होगा, वहाँ पर एफिशिएंसी लोगों का ज़्यादा होगा, तो वो बिज़नेस में एक दूसरे से कम्पीट भी नहीं कर पाएंगे, जहाँ पर ज़्यादा एयर पोल्यूशन है वो वहाँ पर बिजनेस में भी कम्पीट नहीं कर सकते हैं, इसलिए यही वही पॉइंट लिखा हुआ है, सिटीज़ विद अ डेंजरस लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन ऑल्सो सफ़र इन बिजनेस बिकॉज दे कैन नॉट कम्पीट विद द क्लीनर सिटी, वो क्लीनर सिटी से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। एग्रीकल्चर तो मैंने बता ही दिया, एग्रीकल्चर से होता है प्रॉब्लम, एग्रीकल्चर में ही प्रॉब्लम होता है, फिर आईक्यू लेवल डिक्रीज़ हो जाता है जिससे इनोवेशन नहीं हो पाता है, फिर अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो वहाँ पर जीडीपी भी डिक्रीज़ हो जाएगा। आपको अभी बता दूँ, कोरोना की वजह से अबाउट 10 or 12 crore लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं ये कंट्री का जीडीपी इकोनॉमी पे ही इफेक्ट हो रहा है। तो उसी तरह से ये बहुत ज़्यादा अभी क्या है कि कोरोना बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंड में है और इसके लिए अभी कोई मेडिसिन भी नहीं आई है, उसी तरह से एयर पोल्यूशन की वजह से भी आपको बता रहा था डेटा कि 2017 में 1.2 मिलियन लोग इससे डेथ किए हैं, तो कहीं ना कहीं वो अनएम्प्लॉयड लोग हो रहे हैं, बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, तो वो इकोनॉमी पर ही इफेक्ट होने वाला है, लोग काम नहीं करेंगे, लोग उस बीमारी को फेस करते रह जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, अपना उनका मनी भी उन जाएगा वहाँ, फिर क्या होगा, वो जो न्यू वर्क करने करते हैं उनसे क्या होता है, कंट्री को बेनिफिट होता है, तो वो भी वो काम नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं कंट्री का जीडीपी डिक्रीज होगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगा, ये सब होने वाला है एयर पोल्यूशन की वजह से। आगे देख लेते हैं, उसके बाद है, अब कहीं ना कहीं क्या होगा, आप भी अगर कहीं घूमने जाओगे तो आपको भी आइडिया होगा कि हम लोग कुछ अच्छे प्लेस पर जहाँ पर थोड़ा सा इन्वायरमेंट सही हो, जहाँ पर एटमोसफेयर सही हो, वहाँ जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि जहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा है आप सोचिएगा मैं वहाँ जाऊँ, पॉल्यूटेड एयर में जाऊँ, वहाँ जाकर घूम कर आता हूँ, वैसा तो होगा नहीं। इसलिए क्या होता है, जहाँ पर जिस कंट्री में पॉल्यूशन ज़्यादा है, टूरिज्म भी इफेक्ट हो जाता है वहाँ पर। अब टूरिज्म इफेक्ट होगा तो जो भी फॉरेन से मनी आने वाली थी, वो भी फॉरेन से मनी जो एक्स्ट्रा मनी आती है वो भी आना बंद हो जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं वो भी इकोनॉमी पर ही प्रॉब्लम करने वाला है। क्योंकि टूरिज्म, कोई भी टूरिस्ट होता है वो हेल्थ इशू की वजह से वो कभी नहीं चाहेगा कि हम किसी ऐसे जगह पर जाएं जहां पर पॉल्यूशन ज़्यादा है, वो कभी नहीं चाहने वाला है। इसलिए सेम प्रॉब्लम यहां पर होता है, तो वो कहीं ना कहीं कंट्री के इकोनॉमी को ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो टूरिज्म भी इफेक्ट हो जाता है उससे। तो ये भी जो जितना भी हमने अभी ऊपर पॉइंट्स देखा है, इशू देखा है, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्री के इकोनॉमी पर ही इफेक्ट कर रहा है। टूरिज्म है तो टूरिज्म वो बाहर से लोग आएंगे नहीं, तो इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं वो मनी नहीं आएगा, मनी नहीं आएगा तो कंट्री के इकोनॉमी पर प्रॉब्लम होने वाला है। बहुत सारी बीमारी होगी तो लोग क्या होगा, अपने जितना इफिशेंसी से वर्क करने वाले थे, जितना एबिलिटी के साथ वर्क करते थे, वो वर्क नहीं कर पाएंगे। चिल्ड्रन अगर बीमार पड़ जाएंगे तो वो स्कूल नहीं जा पाएंगे, चीज़ों को नई चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे, और फिर पेरेंट्स भी उनको ठीक करने में लगे हुए होंगे, तो कहीं ना कहीं उनका भी वर्क इफेक्ट होने वाला है। फिर एग्रीकल्चर जो हम लोग करते हैं वो भी क्या होगा, पॉल्यूटेंट एयर की वजह से एसी ट्रेन होगा, या फिर बहुत तरह का पॉल्यूटेंट जो होगा वो अपना क्रॉप पर, अपने जो फसल है उस पर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं उसको हार्म करने वाला है। जितना हमें मिलने वाला था प्रोडक्ट उस एग्रीकल्चर से, वो हमें नहीं मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो एयर पोल्यूशन होता है वो इकोनॉमी पर ही इफेक्ट करता है। किसी भी कंट्री में अगर बहुत कम एयर पोल्यूशन होगा तो वहाँ की इकोनॉमी ऑटोमेटिक इसके वजह से जो होगी वो कम इफेक्टेड होगी। इसी तरह से जितना भी बीमारी होती है उससे कहीं ना कहीं वो एयर पोल्यूशन कहीं ना कहीं कंट्री का इकोनॉमी इफेक्ट होता ही होता है। आप अभी ही देख सकते हो, अभी एग्जांपल आपके सामने है
कितना ज़्यादा किसी भी कंट्री का, चाहे कोई भी कंट्री हो, जहाँ बहुत ज़्यादा पेशेंट आ गए हैं या जहाँ बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, वहाँ पर कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है ये बीमारी, तो आप लोग समझ लिए होंगे। आपके आपके पास लेटेस्ट एग्जाम्पल है, आप इससे भी इसको कोरिलेट करके समझ सकते हैं इजिली। इससे रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे। अपना नेक्स्ट टॉपिक है फोटोकेमिकल इफेक्ट है, फोटोकेमिकल स्मोग है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। इससे रिलेटेड जो डाउट होगा आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर भी इंजीनियर्स का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फेसबुक पेज पर भी आप वहाँ पर मैसेज का ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ से भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।